हेलो गाइस गाइस यार भाई मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई गाइस। मेरे भाई 11-12 हज़ार रुपये भाई एक बंदे ने लूट लिए। मैं क्या बताऊं गाइस, मेरे को भाई बहुत बुरा लग रहा है भाई। 11-12 हज़ार रुपये भाई मेरे लूट लिए भाई। क्यों लूटे भाई? कि भाई एक बंदा है भाई यूट्यूब पे, भाई मैंने उसकी मतलब शॉर्ट वीडियो डाली थी भाई। उसने नया चैनल था उस बंदे का, शॉर्ट वीडियो डाली थी भाई। मैंने उससे भाई बोला कि भाई मतलब उसने ना एक वीडियो डाल रखी थी कि 2000 रुपये में सीज़न 1 सीज़न 2 वाली आईडी ले लो। तो अभी गाइजर जो आप लोगों ने सुना वो गाइजर बेसिकली अभी मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ है आज से कुछ दिन पहले। और वो बेचारा गाइजर बहुत सारे यूट्यूबर से हेल्प मांग रहा था कि भाई उसकी हेल्प कर दो आईडी बचाने में, बट गाइजर किसी ने भी कुछ हेल्प नहीं की। ठीक है, तो मैंने सोचा गाइजर क्यों ना गाइजर आप लोग को बताओ इसके साथ हुआ क्या है। तो आप लोग गाइज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पता लगेगा कि भाई क्या क्या होता है आईडी सेलिंग के नाम पे। ठीक है, और आप लोग यार फेक वीडियो को तो लाइक जरूर करोगे, इस वीडियो को तो लाइक नहीं करोगे। जो तुम लोग को आईडी सेलिंग के नाम पे सपने दिखाएंगे उनकी वीडियो तुम लाइक करते जाओ। अरे सब्सक्राइब भी कर देते हैं बंदे लोग, सोचते हैं 500 रुपए में हिप हॉप मिल रहा है यार, सब्सक्राइब कर देते हैं। ये बंदा तो यार हमारे लिए भगवान है। ठीक है, तो बेसिकली अब हुआ क्या आगे आप देखो। शॉर्ट वीडियो डाली थी भाई, मैंने उससे भाई बोला कि भाई मतलब उसने ना एक वीडियो डाल रखी थी कि 2000 रुपए में सीज़न 1 सीज़न 2 वाली आईडी ले लो। तो भाई मैंने उससे भाई मैसेज करा, मतलब कि उस वीडियो के कमेंट में उसने बोल रखा था, मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रख, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डाल रखा है, आज जिसको भी भाई आईडी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। तो मैंने उसे कमेंट करा भाई भाई मुझे आईडी चाहिए, फिर उसने यूज़र नेम डाल रखा था कमेंट में। तो मैं उसके इंस्टाग्राम पे गया तो उसने भाई मुझे बोला, उसने भाई मुझे बोला कि भाई तू मुझे व्हाट्सअप पे आ जा भाई मेरे। तो मैं व्हाट्सअप पे गया उसके, मतलब ये भाई उसी का व्हाट्सअप है, तो मैं उसके व्हाट्सअप पे आया। तो भाई उसने उसे लिखा भाई हाय हेल भाई हेल बोलो। तो उसने बोला भाई क्या काम है, क्या काम था? तो मैं बोलूँ भाई, फिर मैंने उसे लिखा भाई 2000 रुपये वाली आईडी दे दो, 2000 रुपये में आईडी देने का कहा था उसने भाई, बोला था 2000 रुपये में आईडी दूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, ये देखो भाई पहले ऑडियो सुनो। वन वाली आईडी चाहिए? हाँ भाई, जो आपने यूट्यूब गाइस ये गलत खुल गया एक साथ में। देखो ये देखो कौन सा सीजन 2 और 1 वाली आईडी चाहिए? तो भाई हाँ भाई, जो फिर मैंने उसके बाद मैंने अपनी ऑडियो भेजी भाई, ये देखो। हाँ भाई, जो आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी ना, मेरे को वही वाली आईडी चाहिए 2000 रुपये में जो आप देने वाले थे। तो भाई इतनी बात हुई कि सीज़न 1 और सीज़न 2 वाली जो आईडी आपने बोली थी मेरे को वही वाली आईडी चाहिए। फिर उसके बाद उसका रिप्लाई क्या आता है भाई, आप ये देखो। पहले 1000 रुपये पे करो, उसके बाद तुम्हें आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद ओटीपी बाद में मिल जाएगा जब 1000 और पे कर दोगे। ठीक है भाई, मैं तो भाई उस फिर मैंने उसे बोल ये देखो पहले। ठीक है भाई, मैं आपको पहले 1000 रुपये पे कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने उसे बोला भाई मैं 1000 रुपये उसे पे कर देता हूँ। तो फिर मैंने बोला भाई वेट, उसने बोला ओके। फिर मैंने ये देखो भाई अपना पेटीएम नंबर तो दे दो भाई, उसने अपना पेटीएम नंबर नहीं दिया, देखो साला बकचोद कहीं का। फिर उसके बाद मैं उसने अपना पेटीएम नंबर दिया, मैं सोच रहा हूँ उसने अपना पेटीएम नंबर दिया है क्यों साले, फिर मेरे को अभी भी बुरा लगता है भाई। पेटीएम नंबर दिया मैंने उसे भाई, पेटीएम करा भाई 1000 रुपये भाई उसे पेटीएम करने के बाद भाई क्या हुआ, मैंने भाई उसे मेरे को जब पेटीएम कर रहा था भाई तो मुझे लग मेरे पेटीएम वैसे मेरे 2000 रुपये थे। तो भाई मैं जब उसे पेटीएम करा भाई तो मेरे को भाई लग रहा था भाई स्कैम हो जाएगा भाई मेरे साथ। फिर भाई मुझे लगा भाई नया यूट्यूबर है भाई, क्या स्कैम करेगा भाई मेरे साथ। तो मैंने बोला भाई ठीक है यार भाई दे देता हूँ उसे पैसे, मैं उसे पैसे तो दे रहा था भाई, मेरे को बुरा बहुत लग रहा था भाई उसके बारे में कि भाई वो कहीं लूट ना ले भाई। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, देखो इधर देखो, मैंने पेटीएम उस मतलब 1000 रुपये देने के बाद फिर मैंने उससे भाई बोला भाई ओके मिल गया भाई 1000 बोलो, उसने बोला हाँ भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस ये देखो, मैंने ऑडियो भेजी भाई अब आईडी पासवर्ड तो दे दो भाई, उसने बोला था ना कि 1000 रुपये पहले दे दो फिर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब देखो इसने क्या बोला भाई, मेरा दोस्त कहीं गया हुआ इसलिए मैं अभी नहीं दे सकता, इसलिए उसका नंबर एक्सेस करके तुम्हें बाद में दे दूंगा, उसके लिए 1000 रुपये और देना पड़ेगा। अब भाई ये मुझसे भाई 1000 रुपये और मांग रहा है ये भाई देखो। तो भाई मुझे थोड़ा बहुत लगा यार, फिर भाई मैं क्या कर सकता था, मेरे 1000 रुपये चले गए थे, 2000 रुपये में आईडी मिल रही थी। तो भाई मैंने सोचा यार भाई ठीक है यार दे रहा है तो ले लेता हूँ। फिर देखो क्या बोला मैंने भाई, लेकिन अपनी बात तो 2000 रुपये की हुई थी ना। हाँ वही तो भाई 2000 रुपये की बात हुई थी, तो मुझे बोला भाई 1000 रुपये और दो। पहले भाई उसने मुझे बोला था ना 1000 रुपये दे दो फिर आपको आईडी मिल जाएगी, फिर आप 1000 रुपये बाद में दे देना। फिर क्या ये देखो भाई, देना हो तो दो वरना ये भी जाएगा भाई। अभी से मुंह पे बोल दिया भाई देना है तो दे वरना बच जाएगा। तो भाई मुझे थोड़ा सा शक तो हो रहा था लेकिन भाई मैं क्या कर सकता था। तो फिर भाई मैंने बोला देखो ओके भाई, मैं अपने भाई से कह के आपको ट्रांसफर करवाता हूँ आपके में 1000 रुपये।
तो भाई मैंने अपने भाई से बोला था भाई कि भाई मुझे मतलब 2,000 रुपये दे दे यार भाई, यार मतलब कि थोड़ा बहुत, मैं अपने भाई से बोलता नहीं हूँ, लेकिन भाई मैंने उसके लिए भाई बोला, मेरे भाई यार पैसे दे दे यार भाई। तो फिर मेरे भाई ने दे तो दिए, लेकिन भाई मुझे बोल रहा था यार भाई पैसे ले किस ले जा रहा है, ये मैं पूछ नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद भाई मैंने भाई बोला भाई मिल गया भाई पैसे, मतलब उसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उसके बाद भाई मैंने उसे बोला मिल गया भाई 1,000 रुपये, और उसने बोला हाँ भाई। फिर उसके बाद भाई क्या चैट हुई देखो, पहले 2,000 रुपये और दो, उसके बाद 1-2 मिनट के अंदर आईडी पासवर्ड दे दूंगा भाई। ये देखो क्या बोले मैं, लेकिन भाई आपने बोला, ये देखो गाइस ये सुनो, पहले 2,000 रुपये और दो, उसके बाद 1-2 मिनट के अंदर आईडी पासवर्ड दे दूंगा। मतलब कि देखो इसने ना 2,000 रुपये और मांग रहा है भाई मेरे से, अभी भाई मेरे से 2,000 रुपये ले लिया भाई, 2,000 रुपये और मांग रहा है भाई मेरे से भाई यार। मेरा मूड चिनक रहा भाई यार, भाई बात हुई थी 2,000 रुपये की, ऐसे करके 4,000 रुपये हो गया भाई यार। भाई तो लूटने की बात आ गई ना भाई यार, 2,000 रुपये और मांग रहा है। तो फिर भाई मैंने सोचा 2,000 रुपये क्यों मांग रहा है, तो ये देखो भाई, लेकिन भाई आपने बोला था भाई 1,000 रुपये दे दो भाई, मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा। ये तो भाई यार भाई स्कैम कर रहे हो भाई यार आप भाई, भाई मतलब कि स्कैम हो गया। तो भाई उस बंदे ने सामने से क्या रिप्लाई दिया भाई, आप भी देखो ये। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला है कि सीजन 1 और 2 की आईडी इतने सस्ते में कैसे दे सकता हूँ, इसलिए 2,000 रुपये और मांगा है। तो भाई यही बात थी, तो भाई पहले बोल देता ना यार, भाई मैं लेता ही नहीं देर से आई। तो भाई इसने भाई पहले मुझे बोला 2,000 रुपये की आईडी, अभी यहाँ पास 4,000 रुपये मिल गई। तो भाई ये देखो कितनी लंबी जाती है भाई यार मेरे साथ, भाई कितना लंबा स्कैम कर दिया भाई इन लोगों ने भाई। भाई कभी भी भाई इन लोगों के चक्कर में मत फंसना भाई, देखो आगे जाके देखो भाई, अभी आपको और पता चलेगा देखो क्या हुआ। और भाई मैं आपको बताऊंगा भाई ये है कौन, भाई आपको ये भी बताऊंगा ठीक है, इसके बाद मैं आपको 1 भी रुपया नहीं दूंगा। ये देखो भाई क्या हुआ भाई ये, लेकिन आपका ये लास्ट है ठीक है, इसके बाद मैं आपको 1 भी रुपया नहीं दूंगा ठीक है भाई। फिर मैंने भाई अपने भाई का फ़ोन मतलब बाहर रखा हुआ था भाई, मैंने अपने भाई का फ़ोन ले लिया मतलब उसे मांग लिया भाई। तो फिर मेरे भाई का फ़ोन है, मेरे बगल में ही था, तो भाई मैंने उससे कर लिया भाई पैसे, मतलब दे तो दिया भाई उसे, लेकिन भाई मेरे को डर बहुत लग रहा था। तो गाइस ऐसे कर करके उसने 1,000 रुपया दिया, फिर 1,000 रुपया दिया, फिर 2,000 रुपया दिया, फिर 2,000 रुपया दिया, ऐसे कर करके उसका जो अमाउंट है वो 10,000 रुपया पहुंच गया। तो ऐसे गाइस यार जो आईडी सेलिंग है ना गाइस, इसमें सबके साथ ऐसे ही होता है, जो सेम टू सेम सिचुएशन है ना। पहले आप लोग यार आईडी मतलब एक यूट्यूब में वीडियो देखोगे, उसमें वो बोलेगा कि 500 रुपये में तेरे को मिलेगा हिप हॉप बंडल, तुम लोग के आंखें चमक जाएंगी, तुम लोग सोचोगे मैं भाई सबके सामने हीरो बनूंगा गाइस, ऐसे ऐसे तुम लोग के दिमाग में आ जाएगा, तुम लोग सोचोगे 500 रुपये की तो बात है ठीक है। फिर जैसे भी तुम लोग उसका फ़ोन नंबर लोगे और जैसे भी उसके पास जाओगे, वो बोलेगा भाई 500 रुपये दे, फिर तुम लोग दोगे उसको 500 रुपये, और फिर तुम आईडी पासवर्ड मांगोगे, फिर वो बहाने मारेगा कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये तो भाई सीज़न 1 की आईडी और 500 दे दे, ऐसे कर करके तुम्हारा जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और तुम लोग देते जाओगे ठीक है। क्योंकि जो फ्री फायर के गाइस आपको पता है ज़्यादातर बच्चे लोग हैं, तो वो इतना दिमाग लगा नहीं पाते हैं ठीक है। तो ऐसे कर करके आजकल ये स्कैम चल रहा है, और ये जो स्कैम है 4-5 मंथ हो चुके हैं ये बंदा मेरे को बोल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना गाइज देखो अभी भी ये स्कैम चल रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि यूट्यूब में आपको दिखती होंगी अली मतलब ये आईडी सेलिंग वेलिंग का, तो मैंने सोचा कि यार आप लोग की आंखें खोलने के लिए भाई क्या क्या सीन होता है, ताकि मैंने सोचा कि यार ये वीडियो बनाता हूँ, कोई तो बनाएगा नहीं, कोई यूट्यूबर हेल्प तो करेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि यार मैं खुद आप लोग की हेल्प करने के लिए बनाता हूँ, ताकि लोगों की गाइज़र आंखें खुले ठीक है। और आप लोग गाइज़र उस वीडियो को तो शेयर करना भाई, ये देख 500 रुपये में मिल रही है आईडी, लेकिन गाइज इस वीडियो को तो शेयर करोगे नहीं तुम लोग, जिससे मतलब रियल पता लगता है कि भाई क्या सीन हुआ है। तो भाई मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी हो ये वीडियो को शेयर करना है तुम लोग को ठीक है, नहीं तो तुम लोग उल्लू हो साहब गाइस। सर तुम लोग के मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को पता है फ्री फायर के मतलब जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसी वीडियो को नहीं करेंगे लाइक, वो करेंगे जो 500 रुपये में इनको हिप हॉप बंडल जाके देगा ठीक है। बाकी यार तुम लोग की मर्जी है, सब्सक्राइब करना है तो करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा कि यार किसी की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, तो इसीलिए गाइस सर मैंने वीडियो बना दिया ठीक है, नहीं तो मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई मेरा कोई आईडी का स्कैम नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि यार और लोग के साथ ना हो तो रियल वीडियो को शेयर करो भाई, ऐसी फेक वीडियो को मत करो, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर करो। बाकी यार आप लोग की मर्जी।